तो चलिए शुरू करते हैं। मंत्र राजूदास, मैं आपकी बात समझ गया। आपने दो बातें कही, एक तो पुराने बयान, ट्रैक रिकॉर्ड से आपको बुरा लगा हुआ है बहुत ज्यादा। एक तो ट्रैक रिकॉर्ड से बुरा लगा हुआ है, नंबर एक। नंबर दो, आपने कहा कि तुलना भी प्रभु राम से की जा सकती है क्योंकि हिंदू धर्म सहिष्णु उदार है। दूसरे धर्म के आराध्य से तुलना कर दी जाती तो अब तक तो सफाई भी नहीं दे पा रहे होते, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। तहसीन भाई एक बोलिए जल्दी से, तहसीन। हाँ, क्योंकि सारे जवाब आपको देने जल्दी, फिर मैं अजय आलोक और अशोक वानखेड़े आपका एक मिनट दूंगा जल्दी से। तहसीन पुना वाला जी, मान साहब, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, और यही तो इस देश की महानता है, यही तो हिंदुइज्म की महानता है कि हम सोच भी सकते हैं। और इसीलिए तो हम कहते हैं हर हर रूम में बसते हैं भगवान राम, कण कण में बसते हैं भगवान राम। इसीलिए तो हम कहते हैं हमको कण कण में, और कोई के बारे में नहीं कहते, भगवान राम के बारे में कहते। ये तो हम सबके आराध्य, इसलिए तो रुको जरा, सबर करो। इकबाल ने लिखा है कि इमाम हिंद भगवान राम, लेकिन जो आर के सिंह ने कहा कि संघ टेरर और सैफरन टेरर है, वो आज इस वर्तमान सरकार में मिनिस्टर है। चलिए ठीक है, तहसीन तहसीन ठीक है, एक मिनट, ठीक है तहसीन तहसीन एक मिनट, मैं अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, फिर अशोक वानखेड़े जी एक कमेंट आपका। पहले डॉक्टर अजय आलोक, आपत्ति कहाँ है जो तहसीन भी पूछ रहे हैं? आपत्ति कहाँ है, क्या है, कैसे है, तुलना गलत कैसे, बताइए आप अजय आलोक। सबसे पहले तो अभी आपत्ति तुरंत हो गई। तहसीन ने कहा कि भगवान राम को हम इमाम हिंद कहते हैं। भगवान राम हमारे प्रभु हैं, वो इमाम हिंद नहीं है। यही होता है दूसरे धर्म का मजाक उड़ाना। और ये सलमान खुर्शीद जी जिन्होंने कहा है, मैं आपको बताता हूं अमन, ये संकीर्ण कम्युनल सोच है, सांप्रदायिक सोच है, जिसके तहत जानबूझ के राहुल गांधी, जो कि हिंदू भी नहीं है मैं मानता हूं, क्योंकि पिता पारसी और माता ईसाई, तो हिंदू कहां से हो गए राहुल गांधी, उसको भगवान राम से कंपेयर कर रहे हैं, भगवान राम के बराबर ला रहा है एक मुसलमान। ठीक कहा महन जी ने, क्योंकि कहते हैं कि मोहम्मद साहब के अवतार हैं, तभी औकात पता चल जाती इनको। कोई तरीका है, लगातार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ये बोलने का इस तरह से। यही वो सलमान खुर्शीद है ना, गांधी परिवार का पीठ का सहारा लेके ये काम करते रहते हैं। जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो टेररिस्ट की मौत पर सोनिया गांधी रोने लगी थी। हर बार इन्होंने ऐसा ऐसा काम किया है तो गांधी परिवार का सहारा लेके, क्योंकि उन्हीं की तरफ से बोला जाता है कि करो ऐसा। ये वार है हिंदुओं पे फिर से भगवान राम के कंपेयर करके, और लेकिन लुभाया किसी और को जा रहा है, और लोग आ गए डिफेंड करने की, भगवान राम के आदर्शों पे चलने की बात कर रहे हैं, खड़ाऊ लेके आए, अब भरत बन जाएंगे सारे मूर्खों की जमात। भगवान राम अयोध्या छोड़ के भागे वायनाड, आइए खड़ाऊ लेके आए। मतलब कोई तरीका होता है बोलने का? 10 कोस चलते हैं यार इमेज मेक ओवर करने के लिए पूरे देश में, कि भारत जोड़ो यात्रा 2000 किलोमीटर पैदल, 2500 किलोमीटर पैदल चल लिए, अब भगवान राम पे कमेंट करके इनके सलमान खुर्शीद ने इनकी सारी तपस्या को जीरो कर दिया, ये वापस वहीं पे पहुंच गए। कोई इमेज मेक ओवर नहीं है, जने उधारी हिंदू बन के इधर उधर घूमते रहेंगे, इधर से उधर करते रहेंगे, भगवान राम से ही अपनी तुलना करने लगेंगे। अरे कोई लिमिट होता है यार, कब बंद करेंगे ये कांग्रेस वाले? कोई हिंदू रिएक्ट नहीं करता है। आज निकल जाए सारे हिंदू रोड पे कि इनको माफी मांगो, इनको मारो घींच घींच के, इनका दिमाग हो जाएगा सही। सही सुनता का मतलब ये नहीं है कि जिसको मनाएगा, जो मनाएगा हमारे धर्म के बारे में बकवास करेगा। सलमान खुर्शीद होता कौन है? इतना शौक लगा हुआ है राहुल बाबा को भगवान बनाने का, तो बनाइए अपना अवतार। किसने मना किया? हिंदुओं का पीछा छोड़िए ना। नहीं तो यही अजय भाई, यही तो फर्क है ना, कि वही बताया इकबाल ने लिखा है राम इमाम हिंद है, वही जो फर्क बताया है। इमाम हिंद है, राम को हम भगवान मानते हैं, राम हमारे लिए शासक नहीं थे। अशोक वानखेड़े।